छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिला में कंपनियों से होने वाले समस्याओं को लेके काफी संघर्ष चल रहा है, जिसमें बलौदा बाजार से 12 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है रवान, जहां पे भगवती साहू रहता है और वहां की मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ रहा था, अगुवाई कर रहा था, जिसे जेल की सजा हुई। तो भद्रा पाली एक पंचायत है मेरे जनपद क्षेत्र के, वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण निस्तारी का जमीन जिस पर होलसिम के द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था, और वह इतना महत्वपूर्ण जमीन है कि उसके कब्जा हो जाने के बाद उस गांव में एक इंच निस्तारी का जमीन नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे और इससे कंपनी प्रबंधन बहुत हमारे खिलाफ उनका आक्रोश था और उसको भुनाने के लिए एक फर्जी केस हमारे खिलाफ दायर करवाया गया था, जो यहाँ पर आंदोलनरत किसान और मजदूर हैं जो लीडिंग करते हैं उनके खिलाफ। उस फर्जी केस के चलते मैं 13 महीना 19 दिन जेल में रहा। एक इनका षड्यंत्र था कि जो लीडिंग करने वाले लोग हैं उनको फंसा दे अगर किसी केस पे, तो संगठन टूट जाएगी, ये लोग बिखर जाएंगे और हमारा काम, चाहे जमीन लूटने का काम हो चाहे मजदूरों का शोषण का काम हो, ये आसान हो जाएगा। ऐसा होलसिम प्रबंधन का एक सोच था, मगर हमारे अरेस्टिंग के बाद लगातार आंदोलन हुआ और हमारी बातों को आप जैसे लोगों के माध्यम से देश विदेश में एक प्रसारित हुआ, जिसका लाभ हमको मिला। छत्तीसगढ़ में संघर्ष करने वाले साथियों के ऊपर कई आरोप सरकार लगाती है, नक्सल समर्थन बताया जाता है और जेल की भी सजा दी जाती है। मैं चाहती हूँ कि जो भी साथी इस वीडियो को देख पाते हैं, हमारे इन साथियों के लिए सरकार के ओर से ऐसा कोई नियम हो, सुरक्षा दिया जाए, ताकि संघर्ष करने वाले साथी सुनिश्चित ढंग से अपना संघर्ष जारी कर पाएंगे। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।